In this video, we are going to find question number 5 of exercise 8.4. See the question. Cosec theta minus cot theta whole square equal to 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. हमें इस question को proof करना है. ठीक है, हमें इस question को proof करना है. तो हम इस question को proof कैसे करेंगे? हमें left hand side equal to right hand side दिखाना है. Left hand side equal to right hand side दिखाना है. तब हमारा ये question क्या होगा? Proof होगा. See the question. Solution. तो ये हमारा left hand side है. एंड ये हमारा राइट हैंड साइड है. हमें दिस साइड इक्वल टू दिस साइड दिखाना है. ओके, सी हियर, लेफ्ट हैंड साइड. ओके, लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा होल स्क्वायर. सी हियर, कोसेक थीटा एंड कोट थीटा को हम साइन थीटा एंड कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे. ठीक है, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होगा. सी हियर, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा. देन हमारा होल स्क्वायर. ओके, अभी देखो, इधर साइन थीटा है एंड इधर भी साइन थीटा है, तो हमारा एलसीएम क्या जाएगा? साइन थीटा होगा. ठीक है, साइन थीटा होगा, तो साइन थीटा. ओके, तो साइन थीटा में कितने टाइम्स जाएगा? वन टाइम्स जाएगा. तो वन इंटू वन दैट इज वन माइनस माइनस साइन थीटा में कितने टाइम्स जाएगा? वन टाइम्स जाएगा. एंड कॉस थीटा इंटू वन दैट इज कॉस थीटा होल स्क्वायर. ओके, तो अभी देखो, तो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर. तो अभी हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे. 1 माइनस कॉस थीटा एंड साइन थीटा को सेपरेट कर देंगे. ठीक है, अभी देखो, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. हमने क्या किया, स्क्वायर को सेपरेट कर दिया. ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट मींस 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितने टाइम्स है? 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है. 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर दैट मींस 1 माइनस कॉस थीटा कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. दो बार हम लिख सकते हैं. ठीक है, दो बार हम लिख सकते हैं. तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा. हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1. और हमें क्या चाहिए, हमें साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए. तो ये क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सी हियर, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस है ना, तो इधर क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा. तो इस साइड में ये माइनस होकर जाएगा और इधर क्या रहेगा, इधर रहेगा साइन स्क्वायर थीटा और इधर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर. ओके, 1 माइनस कॉस थीटा इनटू 1 माइनस कॉस थीटा. ओके, 1 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो 1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, अभी देखो, हमारा एक फॉर्मूला था, a square minus b square equal to what, a minus b into a plus b. okay, or a minus b into a plus b equal to what, a minus b into a plus b equal to a square minus b square. hum a square minus b square ko kya likh sakte hai, a minus b into a plus b, or a minus b into a plus b ko hum a square minus b square likh sakte hai. theek hai, to maan lo ye hamara a hai aur ye hamara b hai. Got it? ये हमारा a है और ये हमारा b है. तो a square minus b square, got it? a square minus b square. तो a square minus b square का फॉर्मूला क्या है? a minus b into a plus b.
तो हमारा तो वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो ए हमारा क्या है, वन है, बी हमारा क्या है, कोस थीटा है। ए हमारा वन है एंड बी हमारा कोस थीटा है, तो ये क्या होगा, वन माइनस कोस थीटा, दैट इज ए माइनस बी। और क्या है, ए प्लस बी। तो ए हमारा क्या है, वन है, प्लस बी हमारा क्या है, कोस थीटा है। तो ये क्या है, ए प्लस बी, वन प्लस कोस थीटा, दैट इज ए प्लस बी। ओके, तो वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। ओके, तो अभी देखो, तो ऊपर में क्या होगा, वन माइनस कोस थीटा इंटू वन माइनस कोस थीटा। ओके, और नीचे क्या होगा, नीचे नीचे होगा वन माइनस कोस थीटा इंटू वन प्लस कोस थीटा। So it will be 1 minus cos theta into 1 plus cos theta. Okay. अभी देखो, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta क्या होगा? Cancel होगा. 1 minus cos theta and 1 minus cos theta cancel होगा. और क्या रहेगा? हमारा क्या रहेगा? हमारा रहेगा 1 minus cos theta divided by 1 plus cos theta. Okay. तो 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा रहेगा, ठीक है। सी हियर 1 माइनस कोस थीटा एंड सी हियर 1 प्लस कोस थीटा। ओके, तो ऊपर में 1 माइनस कोस थीटा एंड नीचे क्या है, 1 प्लस कोस थीटा। तो सी हियर हमें क्या मिला, हमें मिला 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, मिला ना, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो सी हियर, ये हमारा राइट हैंड साइड है ना, तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। ओके, तो ये हमारा क्या हुआ, अभी ये हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या मिला, राइट हैंड साइड। ओके, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट मींस प्रूव्ड। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, प्रूव्ड। ओके, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन। सी द अनदर क्वेश्चन, कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेकंड। हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दिखाना है, तब हमारा ये क्वेश्चन क्या होगा, प्रूफ होगा, ठीक है। तो सी द क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। ओके, हमें ये दोनों साइड इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, हमें क्या करना पड़ेगा, एक साइड पकड़ना पड़ेगा, एक साइड पकड़ना पड़ेगा। तो सी हियर, ओके, तो सी हियर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। तो अभी देखो, इधर 1 प्लस साइन ए है और इधर कॉस ए है, तो एलसीएम क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। तो अभी देखो, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में कितने टाइम्स जाएगा, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में कितने टाइम्स जाएगा, कॉस ए टाइम्स जाएगा, कॉस ए टाइम्स जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस ए होगा कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में कितने टाइम्स जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए में 1 प्लस साइन ए टाइम्स जाएगा। तो ये क्या होगा, अभी देखो इधर क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए होगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। ओके, 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। तो अभी देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो हमारा ए क्या है, ए है हमारा 1 एंड बी है हमारा साइन ए, ए हमारा 1 है एंड बी हमारा साइन ए है। तो इधर क्या होगा, ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, ओके 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर ए। तो ये क्या होगा, 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए दैट इज 2 साइन ए
प्लस व्हाट साइन स्क्वायर. ओके तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर को हमें क्या मिला, 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर. ओके साइन स्क्वायर और नीचे क्या है, नीचे है हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू व्हाट कोसेक. नीचे हमारा 1 प्लस साइन ए इंटू कोसेक. कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी. हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या था, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू. तो सी हियर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू व्हाट, 1 होगा ना, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए. ओके और नीचे क्या है हमारा, नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए. ओके तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए. ओके तो 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए में से क्या कॉमन जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए में से कॉमन जाएगा 2 और क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए रहेगा और नीचे क्या होगा, नीचे क्या होगा 1 प्लस साइन ए इंटू व्हाट कॉस ए. ओके देखो हमने कैसे किया, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, ठीक है 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इंटू साइन ए दैट इज 2 साइन ए. ओके तो हमें क्या मिला 2 इंटू 2 प्लस 2 साइन ए है ना, 2 प्लस 2 साइन ए. तो 2 प्लस 2 साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए, बट 2 इंटू 1 प्लस साइन ए. अभी देखो 1 प्लस साइन ए एंड 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कैंसिल होगा. तो अभी देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया ऊपर में 2, ऊपर में 2 और नीचे क्या रह गया, नीचे रह गया कोसे. तो 2 बाई कोसे को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाई कोसे को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1 बाई कोसे, ठीक है 2 इंटू 1 बाई कोसे. तो 1 बाई कोसे मतलब 1 बाई कोसे इंटू सेके, 1 बाई कोसे यानी सेके. तो सेके को हम क्या लिख सकते हैं, सेके को हम लिख सकते हैं 1 बाई कोसे, गॉट इट, सेके को हम 1 बाई कोसे लिख सकते हैं. तो 2 इंटू सेके, तो 2 इंटू सेके. तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है, सी हियर राइट हैंड साइड में है 2 इंटू सेके, 2 इंटू सेके. तो हमें क्या मिला 2 इंटू सेके, तो ये हमारा क्या हो गया राइट हैंड साइड हो गया. तो LHS इक्वल टू RHS. ओके तो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड. सो दिस इज अवर सॉल्यूशन. थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल.